हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शुभ कार्य। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या डायबिटिक पेशेंट आलू का सेवन कर सकता है कि नहीं। जी हाँ, पोटैटोज, अगर आपको डायबिटीज है क्या आप ले सकते हैं कि नहीं। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे एक दृश्य आज सुबह का नजारे का, जो हम मॉर्निंग वॉक पे गए थे। और हम आप लोग को भी प्रेरित करते हैं कि आप भी डेली सुबह उठकर 1 घंटे से लेके 1.5 घंटे तक की मॉर्निंग वॉक जरूर कीजिए, ताकि इससे आपकी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होता है और साथ ही साथ बॉडी एक रेगुलर और अच्छे फॉर्म में और शेप में आती है। आज थोड़ा लेट हो गया हूँ, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मॉर्निंग वॉक पे। धूप आ गई है बाहर, लेकिन फिर भी क्योंकि वॉक करना ज़रूरी है, वॉक करने के लिए बाहर आए हुए हैं। डायबिटिक होने का ये एक डेली का रूटीन है मेरा भी, कि सुबह सुबह वॉक पे निकल जाता हूँ 1 घंटे के लिए। तो लेट्स सी आज कितनी वॉक करते हैं, आज कहाँ कहाँ चलते हैं। आप भी जहाँ पर हैं रेगुलरली मॉर्निंग वॉक करिए। सुबह सुबह लेट हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट खाली पेट वॉक करना ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करिए, ताकि डायबिटीज रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको हो या परेशानी हो तो आप इस चैनल पे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं। पोटैटोज यानी आलू एक ऐसी सब्जी है जिसमें स्टार्च की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। स्टार्च यानी कार्ब्स आपकी बॉडी का ब्लड शुगर बढ़ाता है। कोई भी इंसान कोई भी खाने का सेवन करता है तो उससे आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, क्योंकि ग्लूकोज कार्ब्स और शुगर से ही बनता है। ग्लूकोज एक बार आपके ब्लड में चला गया तो उससे आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा। एक आम आदमी यानी नॉर्मल इंसान जो हेल्दी है, उसकी बॉडी में पैनक्रियाज एक इंसुलिन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जो आपके इस ग्लूकोज को सेल के अंदर घुसाने में और ताकत देने में काम आता है। अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है, यानी आपके ब्लड शुगर लेवल में ग्लूकोज बढ़ रहा है और बॉडी में इंसुलिन है ही नहीं, तो आप इस राइजिंग ग्लूकोज के कारण डायबिटिक कहलाए जाते हो और आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ होता है। यानी यह ग्लूकोज आपके सेल्स में नहीं घुस सकता और एनर्जी आपको नहीं दे सकता, और पड़ा हुआ ब्लड में ये आपके शुगर लेवल को बढ़ाता है। तो इसीलिए जिन इन लोगों को डायबिटीज होती है, उनको अपने कार्ब्स इंटेक का ध्यान रखने के लिए बोला जाता है। आलू यानी पोटैटो एक स्टार्ची वेजिटेबल होता है, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है। हायर ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने के कारण पोटैटो आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ा देगा। पोटैटो में फाइबर, विटामिन सी, पोटेशियम होने के कारण कई लोग इसका सेवन करना बेनिफिट समझते हैं। लेकिन अगर आपको एक स्मॉल पोटैटो खाना है, छोटा पोटैटो यानी 150 ग्राम का पोटैटो, जिसमें 110 ग्राम तक की कैलोरीज होती हैं, 25 ग्राम का उसमें कार्ब्स होता है, इसको अगर आपको खाना है तो आप अपनी मील प्लान को ऐसा करिए ताकि जो ये पोटैटो है ये आपकी बॉडी में जाकर आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को ज्यादा ना बढ़ाए। अधिक मात्रा से ज्यादा पोटैटो खाना भी आपकी बॉडी के लिए हानिकारक होता है। पोटैटो को फ्राई करके खाना या उस पे बटर चीज लगा के खाना बहुत ही अनहेल्दी होता है। अगर आपको आलू का सेवन करना भी है तो आप आलू को बॉईल करके खा सकते हैं, जिससे उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है। पोटैटो का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 58 से 110 के बीच में होता है। यानी एक बॉईल पोटैटो को आप कुछ ऐसी सब्जियों के साथ खा सकते हो, जैसे कि फाइबर रिच वेजिटेबल्स हो गई, हरी सब्जियां हो गई, या कोई भी ऐसा एंटी डायबिटिक स्पाइस मसाला हो गया, जैसे कोरिएंडर हो गया, सिनेमन स्टिक हो गई, जिसके साथ आप खाकर पोटैटो को उसका ग्लाइसेमिक लोड कम कर सकते हो और आपकी बॉडी के लिए वो बेनिफिट होगा। तो अगर आप पोटैटो का सेवन करना चाहते हैं तो
तो डेफिनेटली उसका सेवन करिए, लेकिन खाने के बाद यह जरूर चेक करिए कि आपकी बॉडी में इससे क्या फर्क पड़ रहा है, यानी कितनी देर बाद आपकी बॉडी का ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है। अगर आपको लगता है कि पोटैटो आपकी बॉडी को बेनिफिट कर रहा है और आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा स्पाइक नहीं आ रहा है, तो आप पोटैटो का सेवन बिल्कुल कर सकते हैं। और ध्यान रखिए, पोटैटो को बॉयल कर कर खाना बहुत फायदेमंद है कंपेयर टू पोटैटो को डीप फ्राई कर लेना या मैश करके खाना, बिल्कुल भी सजेस्टिव नहीं रहेगा। तो आई होप इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि कैसे आप पोटैटो का सेवन कर सकते हैं। आलू यानी पोटैटो हर घर के स्वाद और खाने का एक ऐसा इम्पोर्टेंट वेजिटेबल है जिसका सेवन करके आप अपने ब्लड शुगर लेवल को मॉनिटर करना मत भूलिए। आपको अगर आलू का सेवन करना है तो उसे बॉयल करिए या उसे कम क्वांटिटीज में खाइए, जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल कम रहे। साथ ही साथ अगर आपको आलू के साथ कोई ऐसी हरी सब्जियां यानी कोई ऐसी फाइबर रिच सब्जियां जिसमें जैसे कि पालक हो गया, बीन्स हो गया, जिससे आपकी ब्लड शुगर लेवल को कम करा जा सकता है, वह मिल रही है तो बहुत बेनिफिट रहेगा। तो आई होप इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि आलू का सेवन कैसे करना है और कैसे उसको कंज्यूम करके आप अपने ब्लड शुगर लेवल को मॉनिटर कर सकते हो और कम मात्रा में खा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें।